गाइस, मैं ओलीशा, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, शादी समारोह में कई बार अजीबोगरीब घटनाएं सुनने को मिलती है, लेकिन आज हम आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल हुआ यूं कि लगन देने के बाद वधु पक्ष को पता चला कि दुल्हे के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है, तो लड़की ने ऐन वक्त पर शादी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, लड़की ने पुलिस को तहरीर देकर लगन समारोह में खर्च हुए पैसे लौटाने की मांग की है। इस बीच पता चला है कि हरगेंद्र सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के न्यू राजेंद्र नगर थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है। कहा जा रहा है कि 27 नवंबर को छत्तीसगढ़ पुलिस हरगेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए आई थी। युवती ने युवक से शादी करने से इनकार कर दिया, साथ ही तिलक में खर्च हुए पैसे वापस करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के कोतवाली क्षेत्र के सादिकपुर सेमरा गांव निवासी कोमल सिंह यादव ने सोमवार को अपनी भतीजी प्रीति सिंह के साथ कोतवाली पहुंचकर दुल्हे के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी है। कोमल का कहना है कि उसके भाई बनवारी लाल की कई साल पहले मौत हो चुकी है और उन्होंने अपनी भतीजी प्रीति का पालन पोषण किया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के कहने पर ही प्रीति की शादी हरगेंद्र सिंह पुत्र इंद्रजीत सिंह के साथ तय की थी। 26 नवंबर को लगन समारोह हुआ। लगन के दौरान करीब 22 लाख रुपए की राशि खर्च हुई। गाइस, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।